हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होती हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ कचालू की बहुत ही स्पेशल चाट और बहुत हल्की फुल्की सब्ज़ी। तो चलिए पहले इसे बना लेते हैं। ये कचालू है, नॉर्मल सब्ज़ी मंडी में हर जगह ये मिल जाता है। हमारे मेरठ में इसे कचालू बोला जाता है। आपके यहाँ किस नाम से इसे जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इन्हें साफ़ पानी से धो के इसे कुकर में ऐड करेंगे और इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। जैसे आलू उबालते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें उबाला जाएगा। और इसमें 4 सीटी लगाएंगे, क्योंकि बड़े साइज़ के होते हैं तो 2 या 3 सीटी में कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए इसमें 4 सीटी लगाएंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, ऊपर और नीचे का पॉइंट बिल्कुल अलग कर देंगे, कि काफ़ी मोटा होता है ये, खाने में यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए एक तरफ से बहुत मोटा होता है और एक तरफ से बहुत हल्का सा होता है, जैसे अरवी का छिलका होता है। छिलका सेम वही होता है और टेक्सचर भी अरवी जैसा ही होता है। इसका छिलका अलग कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से ये अलग हो जाता है। जैसे अरवी छीलने पे ख़ारिश होती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत आसानी से उबल भी जाते हैं और छिल भी जाते हैं। अब इसके हम पतले पतले स्लाइस कर लेंगे, बहुत छोटे और बहुत ही पतले पतले स्लाइस काट लेंगे। बहुत मोटे साइज में ये नहीं बनाए जाते हैं। ये देखिए कितने आराम से कट रहे हैं, बिल्कुल अरबी जैसा होता है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। यदि आपने अभी तक ये नहीं खाया है तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। सभी को मैंने यहाँ काट लिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ मैंने 4 कचालू लिए हैं, तो 4 कचालू के लिए कम से कम 2 नींबू का रस लूँगी। यदि नींबू बहुत रसीले हैं तो 1.5 नींबू के रस में भी काम चल जाएगा। इसको छलनी में या कैसे भी बीज नहीं आना चाहिए, इसका जूस इसमें ऐड कर देंगे। ये कचालू 2 तरीके से आते हैं, एक तो नींबू और नमक डालने से बिल्कुल पिंक हो जाता है। जैसे अदरक में हम नींबू और नमक डालते हैं और थोड़ी देर रखने के बाद वो बिल्कुल गुलाबी हो जाता है, तो ठीक उसी तरीके से ये कचालू भी बिल्कुल गुलाबी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नींबू और नमक डालने से वाइट ही रह जाते हैं, तो इसे अब ढकने के बाद पता चलेगा। जब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे तो ये हमारे वाइट रहते हैं या पिंक रहते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं, तो ये हमारा कचालू पिंक नहीं हुआ है बिल्कुल भी, वाइट ही रह गया है। तो इस तरीके से आप टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे वो पिंक हो या वाइट हो, टेस्ट आपका सेम वही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसकी चाट बना के खा सकते हैं। खाने में ये वाकई बहुत टेस्टी लगती है। इस पे थोड़ा चाट मसाला आप छिड़क सकते हैं। जो दूसरी रेसिपी है उसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे और इसमें अजवाइन, जो बचे हुए कचालू हैं वो यहाँ हम ऐड कर देंगे। इसमें थोड़े बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले जाते हैं, बस हल्के हल्के से ही मसाले हमें ऐड करने हैं। अमचूर हम यहाँ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही काफ़ी नींबू इसमें ऐड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये प्याज लहसुन वगैरह का मसाला करके बनाए जाते हैं, ये इसी तरीके से बहुत हल्के फुल्के से बनाए जाते हैं। और जैसे सूखी अरवियों को भूनते हैं ठीक उसी तरीके से इसे भून लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो इस तरीके से आप कचालू की चाट भी बना सकते हैं और सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, हल्की फुल्की है,
लेकिन इसका जब आप स्वाद देखोगे तो अरवी से भी बहुत टेस्टी लगती है। यदि आपने को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको शॉर्ट्स वीडियो देखने का शौक़ है तो मेरा दूसरा चैनल है मेरठ का देसी तड़का, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ बहुत ही रेसिपी पड़ी हुई हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।